थर्ड वेव फेमिनिज्म सेकेंड वेव फेमिनिज्म का रिजेक्शन है। सेकेंड वेव फेमिनिज्म में जितने भी कोर आइडियाज निकल कर सामने आते हैं उन्हें थर्ड वेव फेमिनिज्म में रिजेक्ट करने की कोशिश की जाती है, उन्हें क्रिटिसाइज करने की कोशिश की जाती है। तो जो सबसे इम्पॉर्टेंट आइडिया सेकेंड वेव फेमिनिज्म का है वो ये कि वमेन, जो टर्म मैं यूज़ कर रहा हूँ वमेन, जो वर्ड मैं यूज़ कर रहा हूँ वमेन, ये किसी एक इंडिविजुअल को डिनोट नहीं करता। ये जो टर्म है वमेन, ये एक ग्रुप को डिनोट करता है। ओके, ग्रुप, और जितनी भी महिलाएं हैं दुनिया की वो सभी इस ग्रुप का हिस्सा है। ओके, जब भी हम किसी ग्रुप के बारे में बात करते हैं ओके, तो उस ग्रुप में कुछ ना कुछ कॉमन तो होना जरूरी है, बिकॉज किसी कॉमन बेसिस पे ही किसी कॉमन बेसिस पे ही, किसी शेयर्ड एक्सपीरियंस के आधार पर ही एक ग्रुप का निर्माण होता है। कुछ तो कॉमन होंगे उस ग्रुप के हर एक मेंबर्स में। ओके, तो सेकेंड वेव फेमिनिस्ट कहती हैं कि दुनिया की जितनी भी महिलाएं हैं, उनमें एक चीज है जो कॉमन है हर किसी में, और वो कॉमन क्या है? शेयर्ड एक्सपीरियंस ऑफ जेंडर्ड ऑप्रेशन। जेंडर्ड ऑप्रेशन मतलब जेंडर के आधार पर उत्पीड़न, मेल डोमिनेंस का ये जो एक्सपीरियंस है ये हर किसी में कॉमन है, वो महिला इंडिया की हो, अमेरिका की हो या चाइना की हो। ओके, हर एक महिला वुमेन मेल डोमिनेंस को एक्सपीरियंस करती है, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन को एक्सपीरियंस करती है, जेंडर ऑप्रेशन को एक्सपीरियंस करती है, और इसी शेयर्ड एक्सपीरियंस के बेसिस पे, इसी शेयर्ड एक्सपीरियंस के बेसिस पे ये जितनी भी महिलाएं हैं ये अपने आप में एक सोशल क्लास, एक सिस्टरहुड को कंस्टिट्यूट करती है। ओके, यहाँ पे मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहूँगा। जैसे मार्क्सिज्म में बात होती है वर्किंग क्लास की, वर्किंग क्लास को एक यूनिफाइड ग्रुप के तरह प्रोजेक्ट किया जाता है, जितने भी वर्कर्स हैं सभी इस वर्किंग क्लास का हिस्सा है। ओके, कॉमन क्या है? हर कोई एक वर्कर है। ओके, उसी तरह वुमेन भी एक सोशल ग्रुप को डिनोट करता है, एक सोशल क्लास को डिनोट करता है। जैसे सिस्टरहुड, जैसे हम ब्रदरहुड की बात करते हैं, वैसे सिस्टरहुड के कॉन्सेप्ट को लाया गया सेकेंड वेव फेमिनिज्म में। वुमेन को एज अ ग्रुप प्रोजेक्ट किया गया और दुनिया की जितनी भी महिलाएं हैं वो इस ग्रुप का हिस्सा है, मेंबर है। किस आधार पे? अपने शेयर्ड एक्सपीरियंस के आधार पे। कौन सा एक्सपीरियंस? जेंडर्ड ऑपरेशन को एक्सपीरियंस, जेंडर्ड ऑपरेशन का अनुभव करने का ये जो एक्सपीरियंस है इसके आधार पे, मेल डोमिनेंस को अनुभव करने का ये जो एक्सपीरियंस है इसके आधार पे महिलाएं जो हैं वो खुद में एक सोशल क्लास, एक सोशल ग्रुप, एक समूह, एक यूनिफाइड, एक यूनिवर्सल ग्रुप को कंस्टिट्यूट करती हैं, एक सिस्टरहुड को कंस्टिट्यूट करती हैं। ये कोर आइडिया था सेकेंड वेव फेमिनिज्म का, और इस आइडिया को समझना बहुत इम्पॉर्टेंट है यदि हम थर्ड वेव फेमिनिज्म को समझना चाहते हैं तो। ओके, तो सेकेंड वेव फेमिनिज्म में इस आइडिया की वजह से वुमेन सेंटर्ड पॉलिटिक्स का जन्म हुआ, वुमेन सेंटर्ड पॉलिटिक्स। और ये कहा गया जो टर्म वुमेन है, जो कैटेगरी वुमेन है, ये जितनी भी महिलाएं हैं उन सबों के इंटरेस्ट को ये एनकम्पास करता है, उन सबों के एक्सपीरियंस को ये इंक्लूड करता है। ओके, लेकिन इस एजम्पशन के साथ बहुत सारी प्रॉब्लम थी। ये एज्यूम कर लेना कि वुमेन एक ग्रुप है, एक यूनिफाइड ग्रुप है, और इस ग्रुप में जितनी भी महिलाएं हैं दुनिया की हर किसी के इंटरेस्ट को रिप्रेजेंट किया जाता है, हर किसी के प्रॉब्लम को रिप्रेजेंट किया जाता है, ये एज्यूम कर लेना थोड़ा प्रॉब्लमेटिक था। तो कुछ क्वेश्चंस उठने लगे, और सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये था कि डज द कैटेगरी ऑफ वुमेन, क्या ये जो कैटेगरी है वुमेन, जिस कैटेगरी के में बात कर रहे हैं कि वुमेन एज अ ग्रुप, क्या ये ग्रुप सच में हर महिला के ग्रीवांस को, हर महिला के प्रॉब्लम को रिप्रेजेंट करता है? इज इट ट्रू? इस तरह के क्वेश्चंस उठने लगे, क्या ये सच है कि वुमेन एज अ ग्रुप जितनी भी महिलाएं हैं सभी के इंटरेस्ट को रिप्रेजेंट करता है? ऐसा कहा जा रहा था सेकेंड वेव फेमिनिज्म में कि इंडिविजुअल इंटरेस्ट नहीं है, हमारा एक कलेक्टिव इंटरेस्ट है, जेंडर्ड ऑपरेशन ये सभी का प्रॉब्लम है, यही एक प्रॉब्लम है एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम है, और वुमेन एज द ग्रुप जितनी भी महिलाएं हैं सभी के
कॉमन ग्रीवांस को रिप्रेजेंट करता है, कॉमन प्रॉब्लम को रिप्रेजेंट करता है, सभी के कॉमन इंटरेस्ट को रिप्रेजेंट करता है, ऐसा ऐसा कहा जा रहा था, ऐसा एज्यूम किया जा रहा था। लेकिन फिर क्वेश्चन उठने लगे कि क्या ये सच है, क्या ये सही है। क्वेश्चंस क्यों उठने लगे, क्योंकि क्योंकि इस चीज़ को महसूस किया गया कि जो एक वुमेन का एक्सपीरियंस होता है, जो एक महिला का अनुभव होता है, वो बहुत हद तक डिपेंड करता है उसके कॉन्टेक्स्ट के ऊपर। दैट मीन्स किस सिचुएशन से वो बिलोंग करती है, किस कंडीशन में वो रहती है, इसके ऊपर डिपेंड करता है। ऑब्वियस सी बात है, हर किसी का कंडीशन, हर किसी का कॉन्टेक्स्ट अलग होता है। अगर कॉन्टेक्स्ट अलग है तो एक्सपीरियंस भी अलग होगा। ओके, दैट मीन्स कि अगर एक महिला इंडिया में है तो उनका कॉन्टेक्स्ट अलग है, उनका जो कंडीशन है वो अलग है, तो उनका एक्सपीरियंस भी अलग होगा, उनके प्रॉब्लम्स भी अलग होंगे, उनके ग्रीवांसेस भी अलग होंगे। एक महिला जो चाइना में रहती है, उनका एक्सपीरियंस अलग होगा क्योंकि उनका कंडीशन अलग है। ओके, कोई अमेरिका में रहता है तो उनका एक्सपीरियंस अलग होगा। उसके बाद और भी चीज़ें हो सकती है, कोई एक महिला जो अपर कास्ट से बिलोंग करती है, कोई लोअर कास्ट से बिलोंग करती है, इनका एक्सपीरियंस भी अलग होगा। तो फिर हम कैसे अज्यूम कर लें कि जितनी भी महिलाएं हैं इन सब का एक कॉमन इंटरेस्ट है, और जो कैटेगरी वुमेन है वो इस कॉमन इंटरेस्ट को रिप्रेजेंट करती हैं। अगर इस बात को हम एज्यूम कर लेते हैं तो कहीं ना कहीं ये प्रॉब्लमेटिक है। इसी बात को हाईलाइट करने की कोशिश की जा रही थी थर्ड वेव फेमिनिज्म में। ओके, तो थर्ड वेव फेमिनिज्म में इस चीज़ को फाइंड आउट किया गया कि जो कैटेगरी वुमेन है, वुमेन का ये जो कैटेगरी है, ये ग्रुप डिफरेंसेस को इग्नोर करता है। ओके, किसे इग्नोर करता है, ग्रुप डिफरेंसेस को। ये इस बात को एकदम इग्नोर कर देता है कि वुमेन वुमेन एज अ ग्रुप, इसके भीतर भी डिफरेंसेस हो सकती हैं, डाइवर्सिटीज हो सकती हैं। इस बात को एकदम इग्नोर कर देता है। इस चीज़ को डिस्कवर किया गया, इस चीज़ को फाइंड आउट किया गया। ये पता चला कि वुमेन जो है वो सिर्फ जेंडर के आधार पर ऑप्रेशन एक्सपीरियंस नहीं करती, उनका उत्पीड़न सिर्फ और सिर्फ जेंडर लिंग के आधार पर नहीं होता, बल्कि रेस, क्लास, कास्ट और एथनिसिटी के आधार पर भी वुमेन को डिसएडवांटेज एक्सपीरियंस करना पड़ता है, उन्हें ऑप्रेशन डोमिनेंस एक्सपीरियंस करना पड़ता है। एक ब्लैक वुमेन, फॉर एन एग्जाम्पल, एक ब्लैक वुमेन को रेस के बेसिस पे भी डिस्क्रिमिनेशन एक्सपीरियंस करना पड़ता है, जेंडर के बेसिस पे भी। एक दलित वुमेन को आप ले सकते हैं, कास्ट के बेसिस पे भी डिस्क्रिमिनेशन एक्सपीरियंस करना पड़ता है, जेंडर के बेसिस पे भी। तो प्रॉब्लम्स जो हैं वो सिर्फ जेंडर से रिलेटेड नहीं है, वुमेन की और भी कई इश्यूज हैं, और भी कई फैक्टर्स हैं जो इन प्रॉब्लम्स को जन्म देते हैं। ओके, तो यदि हम वुमेन को एक यूनिवर्सल कैटेगरी की तरह ट्रीट करें, दैट मीन्स यदि हम सिर्फ एक ही फैक्टर पर फोकस करें, सिर्फ जेंडर के ऊपर फोकस करें, तो क्या होगा कि बाकी फैक्टर्स को हमें इग्नोर करना पड़ेगा, जो कि एक अनडेमोक्रेटिक प्रैक्टिस होगा। यही कहा गया कि फोकस ऑन वन यूनिवर्सल कैटेगरी ऑफ वुमेन। अगर हम सिर्फ एक यूनिवर्सल कैटेगरी के ऊपर फोकस करते हैं, बाकी जितने भी ग्रुप डिफरेंसेस हैं उन्हें हम इग्नोर कर देते हैं, तो ये अनडेमोक्रेटिक होगा। इसलिए क्योंकि महिलाओं का जो एक्सपीरियंस है वो सिर्फ जेंडर के बेसिस पे ही तय नहीं होता, वो रेस, क्लास, कास्ट, एथनिसिटी, इनके आधार पर भी उनका उत्पीड़न होता है। और अगर हम सिर्फ एक कैटेगरी के ऊपर फोकस करते हैं तो ये जो एक्सपीरियंस है रेस, क्लास, कास्ट और एथनिसिटी के बेसिस पे, ये जो महिलाओं का एक्सपीरियंस है, इसे या तो हमें इनविजिबल करना होगा या तो ये एक्सपीरियंस मार्जिनलाइज्ड हो जाएंगी। ओके, तो देखिए यहाँ पर मार्जिनलाइजेशन का क्वेश्चन सामने आ रहा है। ओके, दैट मीन्स कि अगर हम वुमेन को एक यूनिफाइड, एक यूनिवर्सल ग्रुप की तरह प्रोजेक्ट करते हैं, तो जो डिफरेंसेस मौजूद हैं वुमेन के बीच में, अमंग वुमेन जो डिफरेंसेस मौजूद हैं, जो विभिन्नताएं मौजूद हैं, जो डिफरेंट एक्सपीरियंसेस मौजूद हैं, जेंडर के अलावा जो दूसरे फैक्टर्स हैं उनके बेसिस पे जो डिफरेंसेस मौजूद हैं, जो एक्सपीरियंसेस मौजूद हैं, वो एक्सपीरियंसेस या तो इनविजिबल हो जाएंगे या उनका मार्जिनलाइजेशन हो जाएगा। वो मार्जिनलाइज हो जाएंगे, वो इम्पॉर्टेंट नहीं रहेंगे, वो सेंटर में नहीं रहेंगे, उन्हें मार्जिनलाइज करना पड़ेगा। ओके, तो ये आर्ग्यू किया गया कि जो कैटेगरी वमेन है सेकेंड वेव फेमिनिज्म में, जिस कैटेगरी का निर्माण हुआ वमेन, ये जो कैटेगरी है ये सिर्फ और सिर्फ वाइट क्लास
सॉरी वाइट मिडिल क्लास अमेरिकन एंड यूरोपियन वुमेन के इंटरेस्ट को ही रिप्रेजेंट करता है। ये क्रिटिसिज्म था थर्ड वेव फेमिनिज्म में, कि सेकेंड वेव फेमिनिज्म में जिस कैटेगरी का निर्माण हुआ वुमेन एज अ यूनिवर्सल कैटेगरी, एज अ यूनिवर्सल ग्रुप, ये एक्चुअली वाइट मिडिल क्लास अमेरिकन या यूरोपियन वुमेन के एक्सपीरियंस को रिप्रेजेंट करता है। ओके, ये हर किसी के इंटरेस्ट को रिप्रेजेंट नहीं करता, ये सेंटर्ड है, ये कहाँ वाइट मिडिल क्लास अमेरिकन एंड यूरोपियन वुमेन के एक्सपीरियंस, उनके उनके इंटरेस्ट के ऊपर ये सेंटर्ड है। ओके, तो ज़रूरत पड़ी कि इस आइडिया को रिजेक्ट करने की ज़रूरत पड़ी, इस आइडिया को क्रिटिसाइज करने की ज़रूरत पड़ी कि कौन सी आइडिया, कि वुमेन इन देमसेल्फ कंस्टिट्यूट अ ग्रुप, महिलाएं जो हैं वो स्वयं में एक समूह का निर्माण करती हैं, एक ग्रुप को कंस्टिट्यूट करती हैं, इस आइडिया को रिजेक्ट करने की ज़रूरत पड़ी, इसे क्रिटिसाइज करने की ज़रूरत पड़ी। और थर्ड वेव फेमिनिज्म को इस क्रिटिसिज्म में सबसे ज़्यादा सपोर्ट जो था, इंटेलेक्चुअल सपोर्ट या थियोरेटिकल सपोर्ट, वो कहाँ से मिला, पोस्ट मॉडर्निज्म से मिला। थर्ड वेव फेमिनिस्ट जो है वो कुछ पोस्ट मॉडर्न थिंकर्स जैसे मिचेल फुकू, जैक टेरिडा, इनसे वो प्रभावित थी। और पूरी की पूरी ये जो पोस्ट मॉडर्निस्ट अप्रोच है, इस अप्रोच से वो प्रभावित थी। और ये जो अप्रोच है पोस्ट मॉडर्निज्म का, ये जो अप्रोच है, ये इन्हें मदद करता है थर्ड वेव फेमिनिज्म को, किसमें, ये जो बात मैं यहाँ पे कह रहा हूँ, सेकेंड वेव फेमिनिज्म के कोर आइडिया को क्रिटिसाइज करने में ये मदद करता है। तो चलिए हम ये समझते हैं कि दरअसल और थर्ड वेव फेमिनिस्ट ने पोस्ट मॉडर्निज्म का ही सहारा क्यों लिया। पोस्ट मॉडर्निज्म को समझना एज एन आइडियोलॉजी थोड़ा मुश्किल है, एज अ फिलोसफी थोड़ा मुश्किल है, लेकिन हम यहाँ पर पोस्ट मॉडर्निज्म को एज एन अप्रोच समझेंगे। पोस्ट मॉडर्निज्म को हम ऐसे समझेंगे कि ये एक अप्रोच है, ओके, किसी चीज़ को देखने का अप्रोच, किसी चीज़ को समझने का या समझाने का अप्रोच, इसे हम पोस्ट मॉडर्न कहेंगे। ओके, मॉडर्निज्म, पोस्ट मॉडर्निज्म, ये क्या है, ये एक अप्रोच है। तो पोस्ट मॉडर्निज्म के कुछ अजम्पशन हैं, वो चीज़ों को एक पर्टिकुलर तरीके से देखता है। ओके, पोस्ट मॉडर्निज्म क्या कहता है, ये सबसे पहले मॉडर्निज्म को रिजेक्ट करता है, जितने भी मॉडर्निस्ट आइडियाज थे उन्हें रिजेक्ट करता है। अब मॉडर्निस्ट आइडियाज क्या है, ऑब्वियसली जितने भी पोस्ट मॉडर्निस्ट आइडियाज हैं उनका जस्ट अपोजिट। फॉर एग्जाम्पल, पोस्ट मॉडर्निज्म कहता है कि कोई जनरलाइजेशन हम नहीं कर सकते, कोई यूनिवर्सल कैटेगरी को हम नहीं बना सकते। मॉडर्निज्म बेस्ड है जनरलाइजेशन के ऊपर, यूनिवर्सल कैटेगरी बनाने के ऊपर। तो फर्स्ट और सेकेंड वेव फेमिनिस्ट के जो आइडियाज हैं वो अपने आप में एक यूनिवर्सल आइडियाज है। जब बात आप वुमेन एज अ ग्रुप की करते हो, एज अ ग्रुप की करते हो, आप कहते हो कि वुमेन एक ग्रुप है जो सारी महिलाओं के इंटरेस्ट को अपने अंदर समाहित किए हुए है, तो आप क्या कर रहे हो, आप एक जनरलाइजेशन कर रहे हो। ओके, आप एक जनरलाइजेशन कर रहे हो, आप वुमेन को एज अ यूनिवर्सल कैटेगरी प्रोजेक्ट कर रहे हो। ये मॉडर्निस्ट है, ये मॉडर्निस्ट आइडिया है, ये मॉडर्निज्म है। पोस्ट मॉडर्निज्म कहता है नहीं, आप जनरलाइजेशन नहीं कर सकते, आप एक यूनिवर्सल कैटेगरी बनाकर आप संतुष्ट नहीं हो सकते, ये नहीं कर सकते। तो जितने भी जनरलाइजेशंस हैं, यूनिवर्सल कैटेगरीज हैं, इन्हें पोस्ट मॉडर्निज्म रिजेक्ट करता है। मॉडर्निज्म में क्या था, मॉडर्निज्म एक एक्सप्लेनेशन को ढूंढता है जो हर चीज़ को एक्सप्लेन कर सके, एक रीज़न ढूंढता है, एक रीज़न जो हर फेनोमेना को एक्सप्लेन कर सकते। जैसे कि सेकेंड वेव फेमिनिज्म ने सिर्फ एक रीज़न ढूंढा, उन्होंने कहा कि जेंडर्ड ऑप्रेशन, जेंडर के बेसिस पे ऑप्रेशन, यही है एक कॉमन एक्सपीरियंस हर वुमेन का। उन्होंने एक रीज़न ढूंढा, एक एक्सप्लेनेशन ढूंढा बाकी जितनी भी फेनोमेना है उसे डिस्क्राइब करने के लिए। पोस्ट मॉडर्निज्म इसे रिजेक्ट करता है, बाकी पोस्ट मॉडर्निज्म कहता है नहीं, एक एक्सप्लेनेशन नहीं हो सकता, मल्टीपल एक्सप्लेनेशन होते हैं, सिचुएशन के आधार पर डिपेंड करता है कि आप किसी भी कंडीशन को कैसे एक्सप्लेन करते हैं। पोस्ट मॉडर्निज्म वन एक्सप्लेनेशन की तलाश में नहीं होता, वो बिलीव करता है कि बहुत तरह के एक्सप्लेनेशन हो सकते हैं, सिचुएशन बाय सिचुएशन चीज़ें डिफर कर सकती हैं। आप किसी एक एक्सप्लेनेशन को नहीं दे सकते और आप ये नहीं कह सकते कि ये एक्सप्लेनेशन हर जगह एप्लीकेबल है, हर जगह इसे अप्लाई किया जा सकता है। इस तरह के जो आइडियाज़ हैं इसे हम पोस्ट मॉडर्न आइडिया कहते हैं। ओके, और जो आइडियाज़ सिर्फ एक एक्सप्लेनेशन को ढूंढता है, मल्टीपल एक्सप्लेनेशन को रिजेक्ट करता है, वो मॉडर्निस्ट आइडियाज़ हैं। सेकेंड वेव की जो आइडिया थी वो मॉडर्निस्ट थी। ओके, उसके बाद पोस्ट मॉडर्निज्म एंटी फाउंडेशनल है।
जैसे कि एंटी फाउंडेशनल का मतलब है कि वो किसी एक फाउंडेशनल ट्रुथ को नहीं ढूंढता, वो कहता है कि एक यूनिवर्सल ट्रुथ नहीं होता, बिलियन ट्रुथ होते हैं, बिलियन ट्रुथ होते हैं, कोई एक यूनिवर्सल ट्रुथ नहीं होता, कोई एक फाउंडेशन नहीं होता नॉलेज का। जैसे सेकेंड वेव फेमिनिज्म ने एक फाउंडेशन को ढूंढने की कोशिश की, उनका फाउंडेशन क्या बना, जेंडर्ड ऑप्रेशन, जेंडर के आधार पर उत्पीड़न, पैट्रियार्की, ये उनका फाउंडेशन बना। उन्हें लगा कि ये एक यूनिवर्सल ट्रुथ है, ये वन ट्रुथ है, और ये ट्रुथ हर चीज़ को एक्सप्लेन करता है। पोस्ट मॉडर्निस्ट कहते हैं कि नहीं, एक ट्रुथ नहीं हो सकता, ट्रुथ जो है मीनिंग है, सच्चाई का जो ट्रुथ का जो मीनिंग है, जो डेफिनेशन है, वो वैरी करता है पर्सन बाय पर्सन, सिचुएशन बाय सिचुएशन, ये वैरी करता है। तो देयर कैन नॉट बी वन ट्रुथ बट अ बिलियन ट्रुथ। इस तरह के जब आप एजम्पशन करने लगते हो, इस तरह के जब आइडियाज आप रखने लगते हो, तो ये आप पोस्ट मॉडर्निज्म को एक्सेप्ट कर रहे हो। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, पोस्ट मॉडर्निज्म डाइवर्सिटी को एक्सेप्ट करती है, प्लूरालिटी को एक्सेप्ट करती है, विभिन्नताओं को एक्सेप्ट करती है, वो यूनिफॉर्मिटी की तरफ नहीं जाती, वो डाइवर्सिटी को एक्सेप्ट करती है। सेकंड वेव फेमिनिज्म क्या था, वो यूनिफॉर्मिटी की तरफ जा रहा था, वो यूनिफॉर्म जनरलाइज करने की कोशिश कर रहा था, सभी को एक रंग में रंगने की कोशिश कर रहा था, कह रहा था कि वुमेन जो है वो खुद में एक सोशल ग्रुप है, और जितनी भी महिलाएं हैं दुनिया में सब एक तरह के एक्सपीरियंस को अनुभव करती हैं, मेल डोमिनेशन, जेंडर ऑपरेशन, और इसलिए वो सब एक पर्टिकुलर ग्रुप से बिलोंग करती हैं, और उस ग्रुप का नाम क्या है, वुमेन। पोस्ट मॉडर्निज्म कहता है कि नहीं, प्लूरालिटी को एक्सेप्ट करना है, डाइवर्सिटी को एक्सेप्ट करना है। और पोस्ट मॉडर्निज्म के इस इन्हीं एजम्पशन की वजह से आप देख सकते हैं कि ये जो एजम्पशन है ये बिल्कुल सटीक है, ये बिल्कुल सटीक है सेकेंड वेव मॉडर्निस्ट आइडियाज़ को रिजेक्ट करने के लिए। और इसलिए थर्ड वेव फेमिनिस्ट ने पोस्ट मॉडर्निज्म का सहारा लिया। तो हम कुछ की पॉइंट्स के माध्यम से थर्ड वेव फेमिनिज्म को समझेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स। कभी भी थर्ड वेव पोस्ट मॉडर्न फेमिनिज्म को आपको रिकॉल करना है, आपको समझना है या समझाना है, तो आप इन की पॉइंट्स को हमेशा ध्यान में रखिएगा। तो पहला की पॉइंट क्या है, नॉन यूनिवर्सलिस्ट। जैसे कि अभी हमने आप जैसे जैसा कि हमने अभी आपको बताया, नॉन यूनिवर्सलिस्ट। उसके बाद दूसरा की पॉइंट क्या है, इंटरसेक्शनैलिटी, कल्चरल रिलेटिविज्म और प्लूरालिटी एंड डाइवर्सिटी। ये चार इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स हैं जो कि थर्ड वेव पोस्ट मॉडर्न फेमिनिज्म से जुड़े हुए हैं, और आपको इन चारों को समझना है। हमेशा इन चारों पॉइंट्स को आपको याद रखना है जब भी आपको थर्ड वेव पोस्ट मॉडर्न फेमिनिज्म को एक्सप्लेन करना होगा। तो एक एक करके इन चारों को देखते हैं। सबसे पहले नॉन यूनिवर्सलिस्ट। जैसा कि अभी हमने देखा कि पोस्ट मॉडर्न थर्ड वेव फेमिनिज्म किसी भी यूनिवर्सल कैटेगरी को रिजेक्ट करती है, वुमेन एज अ यूनिवर्सल कैटेगरी को प्रोजेक्ट किया गया सेकेंड वेव फेमिनिज्म में, इसका रिजेक्शन है थर्ड वेव पोस्ट मॉडर्न फेमिनिज्म में। कोई जनरलाइजेशन हम नहीं कर सकते, कोई बाइनरी कैटेगरी को हम यूज़ नहीं कर सकते, जैसे मैन वुमेन, सेक्स जेंडर, मैस्कुलिन फेमिनिन, ये क्या है, ये जनरलाइजेशन है। आप इन दो कैटेगरी के बाहर नहीं सोच सकते, ये दो पॉइंट्स हैं जो दे दिए गए हैं, वुमेन वुमेन, या तो आप मैन है या तो वुमेन है, इसके 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 अलावा कोई बात नहीं है, इसके अलावा कोई कुछ नहीं हो सकता। सेक्स एंड जेंडर, मैस्कुलिन फेमिनिन, ये जनरलाइजेशन है, ये बाइनरी कैटेगरीज है, इन बाइनरी कैटेगरीज का रिजेक्शन है थर्ड वेव पोस्ट मॉडर्न फेमिनिज्म, इन जनरलाइजेशन का रिजेक्शन है। तो इसे कहते हैं नॉन यूनिवर्सलिस्ट इन नेचर। दूसरा इंपॉर्टेंट फीचर है इंटरसेक्शनैलिटी का, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है इंटरसेक्शनैलिटी। देखिए इंटरसेक्शनैलिटी का मतलब क्या होता है, हमने देखा था कि सेकंड वेव फेमिनिस्ट कहती हैं कि वुमेन्स ऑप्रेशन, महिलाओं का जो उत्पीड़न है वो एक ही आधार पे होता है, जेंडर के बेसिस पे, जेंडर के बेसिस पे। लेकिन थर्ड वेव फेमिनिस्ट कहती हैं कि ऐसा नहीं है, एक महिला का जो कंडीशन है, एक वुमेन का जो एक्सपीरियंस है, वो कई फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है, सिर्फ जेंडर के ऊपर डिपेंड नहीं करता। रेस, क्लास, कास्ट, एथनिसिटी, ये भी फैक्टर्स हैं जो इक्वल रोल प्ले करते हैं एक वुमेन के कंडीशन को, एक्सपीरियंस को डिटरमाइन करने के लिए। तो यहाँ पे आप क्या देखते हो, यहाँ पे एक इंटरसेक्शन है, डिफरेंट डिफरेंट फैक्टर्स के बीच एक इंटरसेक्शन है, और ये सब मिलकर एक वुमेन के कंडीशन को, एक्सपीरियंस को डिटरमाइन करते हैं, सिर्फ एक फैक्टर नहीं है जेंडर का। जैसे कि सेकंड वेव फेमिनिस्ट कहते हैं नहीं, रेस, क्लास, एथनिसिटी, कास्ट, इन फैक्टर्स को भी हमें इंक्लूड करना होगा, इन फैक्टर्स का और जेंडर का जब इंटरसेक्शन होता है, जब मिलते हैं,
तब जाके एक महिला का जो कंडीशन है वो डिटरमाइन किया जाता है, उनके प्रॉब्लम डिटरमाइन होते हैं, उनके इंटरेस्ट डिटरमाइन होते हैं। तो आप इन फैक्टर्स को रिजेक्ट नहीं कर सकते। तो इन फैक्टर्स के बीच जो इंटरसेक्शन हो रहा है, आप यहाँ पर एक डायग्राम मैंने बनाया है, इस डायग्राम में आप देख सकते हो, इसी को इंटरसेक्शनैलिटी कहते हैं। तो इंटरसेक्शनैलिटी का जो इशू है वो थर्ड वेव फेमिनिज्म में आता है, पोस्ट मॉडर्न फेमिनिज्म में। ये कहती हैं कि नहीं, फैक्टर्स के इंटरसेक्शन होते हैं, ये सारे फैक्टर्स मिलकर किसी भी एक वुमेन के कंडीशन और एक्सपीरियंस को डिटरमाइन करते हैं, इंटरसेक्शनैलिटी। ओके, दूसरा है कल्चरल रिलेटिविज्म। थर्ड वेव फेमिनिस्ट कहती हैं कि डिफरेंट कल्चर के डिफरेंट प्रैक्टिसेस होते हैं, डिफरेंट ट्रेडिशन होते हैं, और महिलाएं अलग अलग कल्चर से बिलोंग करती हैं। चाइनीज कल्चर अलग है, इंडियन कल्चर अलग है, इंडिया में भी कई सब कल्चर हैं। आपको कल्चरल डिफरेंस इंडिया के भीतर भी देखने को मिलेंगे। एक ट्राइबल सोसाइटी का कल्चर अलग है, ठीक है, एक अर्बन सोसाइटी का कल्चर अलग है। ओके, उसी तरह वेस्टर्न सोसाइटी अगर हम बात करें, अमेरिकन यूरोपियन कल्चर अलग है। तो कल्चरल डिफरेंसेस हैं, और कल्चरल डिफरेंसेस होने की वजह से डिफरेंट प्रैक्टिसेस होती हैं, डिफरेंट ट्रेडिशन होते हैं। तो कोई एक कल्चर का व्यक्ति किसी दूसरे कल्चर के बारे में जजमेंट कैसे कर सकता है बिना उस कल्चर को एक्सपीरियंस किए। सेकेंड वेव फेमिनिज्म में क्या था कि कुछ वाइट मिडिल क्लास अमेरिकन एंड यूरोपियन वुमेन ने कुछ एजम्पशन कर लिया और कहा कि ये चीज़ जो है ये हर कल्चर में एप्लीकेबल होती है बिना उन कल्चर को एक्सपीरियंस किए। वो कभी इंडिया नहीं आए, कभी उन्होंने दलित वुमेन के घर को नहीं देखा, कभी दलित वुमेन के घर में उन्होंने नहीं रहा, कभी उनके एक्सपीरियंस को नहीं देखा, वो चाइना नहीं गई, चाइनीज कल्चर को नहीं देखा, लेकिन उन्होंने एक जजमेंट दे दिया कि नहीं, ये कुछ बातें हैं जो हर जगह एप्लीकेबल हैं, ये गलत है। थर्ड वेव फेमिनिज्म ने कहा नहीं, आपको कल्चरल रिलेटिविज्म के फैक्टर को आपको इम्पोर्टेंस देना होगा, आपको इस बात को इम्पोर्टेंस देना होगा कि कल्चरल डिफरेंसेस हैं, और कल्चरल डिफरेंसेस होने की वजह से प्रैक्टिसेस और ट्रेडिशन में डिफरेंसेस हैं। तो बिना किसी के कल्चर को स्टडी किए, एक्सपीरियंस किए, आप उनके बारे में जजमेंट पास नहीं कर सकते, उन्हें आप जजमेंट नहीं दे सकते, उनके लिए आप डिसीजन नहीं ले सकते। ओके, इन बातों को सामने रखा गया थर्ड वेव पोस्ट मॉडर्न फेमिनिज्म में। और जो तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो है प्लुरालिटी एंड डाइवर्सिटी को एक्सेप्ट करना। तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट फीचर है थर्ड वेव पोस्ट मॉडर्न फेमिनिज्म की, कि प्लुरालिटी को एक्सेप्ट करना। ओके, डिफरेंसेस को एक्सेप्ट करना। जब आप अपने आप को किसी एक यूनिवर्सल कैटेगरी में बांध देते हो या बाइनरी कैटेगरी में बांध देते हो, तो इस कैटेगरी के बाहर जो कुछ भी होता है उसे हम एक्सेप्ट नहीं करते, उसे हम एबनॉर्मल कह देते हैं। जैसे कि मेन एंड वुमेन, हमने इन दो कैटेगरी का निर्माण कर लिया, ये बस हमने कहा कि या तो कोई मैन होगा या तो कोई वुमेन होगा, यही नॉर्मल है। लेकिन अगर कोई ऐसा हो वो ना तो वो मैन हो ना तो वो वुमेन हो, ये क्या होगा? ये अगर कोई एक ऐसा कोई ऐसा व्यक्ति है जो ना तो वुमेन के कैटेगरी में फिट बैठ रहा है ना तो मैन गिफ्ट कैटेगरी में फिट बैठ रहा है, तो इन लोगों का क्या होगा? इन्हें एबनॉर्मल ट्रीट किया जाएगा। आप समझ सकते हैं मैं आपको क्या कहना चाह रहा हूँ। ओके, जब आप कैटेगरीज को फिक्स कर देते हैं तो आप नॉर्मल के डेफिनेशन को फिक्स कर देते हैं, और जो कोई भी इस कैटेगरी में फिक्स नहीं बैठता, वो नॉर्मल के डेफिनेशन में फिट नहीं बैठता, तो वो क्या हो जाता है? वो एबनॉर्मल हो जाता है। और एबनॉर्मल को हम क्या कहते हैं? उन्हें हमें मार्जिनलाइज करना पड़ता है, उनके वॉइस को हम नहीं सुनते, उनके पोजिशन को, उनके इंटरेस्ट को हम इम्पोर्टेंस नहीं देते। जैसे कि एग्जाम्पल मैंने आपको दिया कि मेन एंड वुमेन, हमने दो कैटेगरी को फिक्स कर दिया, हमने डेफिनेशन को फिक्स कर दिया कि हु इज अ मैन हु इज अ वुमन। ओके, लेकिन अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जो इस कैटेगरी इन कैटेगरीज में जो फिट नहीं बैठता, ओके, इन इस डेफिनेशन मैन एंड वुमन के इस डेफिनेशन में कोई अगर फिट नहीं बैठता, तो उनका कंडीशन क्या होगा? वो मार्जिनलाइज कर दिए जाएंगे, उनके वॉइसेस को सुना नहीं जाएगा, उनके पोजिशन उनके इंटरेस्ट को इम्पोर्टेंस नहीं दिया जाएगा। क्यों? क्योंकि सोसाइटी ने एक कैटेगरी को फिक्स कर दिया, नॉर्मल के डेफिनेशन को फिक्स कर दिया। ओके, इसलिए ज़रूरत क्या है? ज़रूरत है कि इन कैटेगरीज को एबॉलिश करने की, डीस्टेबलाइज करने की, जितनी भी ये कैटेगरीज हैं इन्हें एबॉलिश, इन्हें डीस्टेबलाइज करने की ज़रूरत है, और प्लुरालिटी और डाइवर्सिटी को एक्सेप्ट करने की ज़रूरत है। तभी जाकर सोसाइटी में जितने भी डिफरेंट वॉइसेस हैं, डिफरेंट जितने भी डिफरेंट पोजिशंस हैं, उन्हें हम समझ पाएंगे और एक्सेप्ट कर पाएंगे। ये इंपॉर्टेंट बात है थर्ड वेव
पोस्ट मॉडर्न फेमिनिज्म से रिलेटेड। तो ये चार इंपॉर्टेंट बात है, नॉन यूनिवर्सलिस्ट, इंटरसेक्शनैलिटी, कल्चरल रिलेटिविज्म और प्लुरालिटी एंड डिफरेंस। ये चार बातों को आपको हमेशा याद रखना है जब भी आप थर्ड वेव पोस्ट मॉडर्न फेमिनिज्म को समझना या समझाना चाहते हैं। तो ओके, अब हम देखते हैं पोस्ट मॉडर्न फेमिनिज्म के इम्प्लीकेशंस के, इनके इफेक्ट्स के। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही एक फार रीचिंग इफेक्ट होता है पोस्ट मॉडर्न और थर्ड वेव फेमिनिज्म का। ये जो अप्रोच अपनाया गया, इसका एक बहुत ही फार रीचिंग इफेक्ट था, बहुत ही फार रीचिंग इफेक्ट था पूरे फेमिनिस्ट मूवमेंट के लिए, पूरे फेमिनिस्ट आइडियोलॉजी के लिए। तो इन इफेक्ट्स को, इन इम्प्लीकेशंस को हम तीन 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 बातों में हम समराइज कर सकते हैं। ओके, तो ये बातें क्या थी? सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे पहली बातें, डाइवर्सिफिकेशन ऑफ फेमिनिज्म, फेमिनिज्म का डाइवर्सिफिकेशन, डिफरेंट वैरायटीज ऑफ फेमिनिज्म आने लगी, वीकनिंग ऑफ फेमिनिस्ट पॉलिटिक्स और राइज ऑफ एलजीबीटी मूवमेंट। ओके, तो सबसे पहले हम देखते हैं डाइवर्सिफिकेशन ऑफ फेमिनिज्म को। डाइवर्सिफिकेशन ऑफ फेमिनिज्म में डिफरेंट टाइप्स ऑफ फेमिनिज्म का उद्भव होता है थर्ड वेव फेमिनिज्म में, ब्लैक वेव फेमिनिज्म, पोस्ट कॉलोनियल फेमिनिज्म और दलित फेमिनिज्म। ओके, तो सबसे पहले हम देखेंगे ब्लैक फेमिनिज्म। ब्लैक फेमिनिज्म में इस बात को कहा गया कि जो ब्लैक वुमेन है वो सिर्फ जेंडर के आधार पर ही डिस्क्रिमिनेशन को एक्सपीरियंस नहीं करती, उनका एक्सपीरियंस रेस के आधार, उनका जो डिस्क्रिमिनेशन है वो रेस के आधार पर भी होता है। दे एक्सपीरियंस डिस्क्रिमिनेशन, दे एक्सपीरियंस डिसएडवांटेज ऑन द बेसिस ऑफ रेस ऑल्सो। ये ब्लैक फेमिनिज्म का इम्पॉर्टेंट पॉइंट था। वो कहती हैं कि जो फेमिनिस्ट, जो कोर फेमिनिस्ट थ्योरीज हैं, आइडियाज़ हैं, वो वाइट मिडिल क्लास अमेरिकन एंड यूरोपियन वुमेन के फोकस, उनके इंटरेस्ट को फोकस में रखकर बनाई गई हैं, इसलिए ब्लैक वुमेन के इंटरेस्ट को वहाँ पे मार्जिनलाइज कर दिया जाता है या तो इनविजिबल बना दिया जाता है। इसलिए ब्लैक फेमिनिज्म का उद्भव हुआ और ये कहा गया कि ब्लैक वुमेन के एक्सपीरियंस जो हैं वो वाइट वुमेन के एक्सपीरियंस से अलग है, इनके इंटरेस्ट अलग है, और वाइट वुमेन जो हैं वो ब्लैक वुमेन के एक्सपीरियंस को, उनके इंटरेस्ट को रिप्रेजेंट नहीं कर सकती। ओके, इनमें कुछ इंपॉर्टेंट थिंकर्स हुए जैसे बेल हुक, एंजेला डेविस, ये कुछ इंपॉर्टेंट थिंकर्स हुए। ओके, तो ये था ब्लैक फेमिनिज्म। तो एक जो सबसे पहला जो इम्पॉर्टेंट इफेक्ट हुआ थर्ड वेव पोस्ट मॉडर्न फेमिनिज्म के आने का, वो था फेमिनिज्म में डाइवर्सिफिकेशन, डिफरेंट वैरायटीज़ का आना फेमिनिज्म के। इनमें से हम तीन इम्पॉर्टेंट वैरायटीज़ को इस वीडियो में देखेंगे, ब्लैक फेमिनिज्म उनमें से एक है। ओके, पोस्ट कॉलोनियल फेमिनिज्म, पोस्ट कॉलोनियल फेमिनिज्म में ये कहा गया कि कॉलोनियलिज्म से होने वाले पॉलिटिकल, इकोनॉमिक और कल्चरल इम्पैक्ट्स जो हैं वो नॉन वाइट वुमेन को बहुत अफेक्ट करते हैं, और जो वाइट वुमेन है जब वो फेमिनिस्ट आइडियाज़ को शेप करती हैं, जब फेमिनिस्ट आइडियाज़ देती हैं या थ्योरी बनाती हैं, तो वो इन इम्पैक्ट्स को इग्नोर करती हैं। दैट मीन्स कि अगर एक कंट्री लंबे समय तक किसी दूसरे कंट्री का कॉलोनी रहा है, तो यहाँ पे कई पॉलिटिकल, इकोनॉमिक एंड कल्चरल चेंजेस लाए गए होंगे, और इन पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, कल्चरल चेंजेस का नॉन वाइट वुमेन के ऊपर काफ़ी प्रभाव पड़ता है। ओके, तो जो वेस्टर्न फेमिनिस्ट हैं वो इन नॉन वेस्टर्न वुमेन के इंटरेस्ट को सही तरीके से रिप्रेजेंट नहीं कर पाती, एक तरह से उन्हें मिस रिप्रेजेंट करती हैं। ये आर्ग्यूमेंट है पोस्ट कॉलोनियल फेमिनिज्म का। ओके, इसलिए ये कहते हैं कि जो नॉन वेस्टर्न वुमेन है, इनके इंटरेस्ट को रिप्रेजेंट करने के लिए एक अलग फेमिनिज्म की ज़रूरत है, पोस्ट कॉलोनियल फेमिनिज्म, ऐसे वुमेन जो वैसी सोसाइटीज़ में रहती हों जो कभी किसी कंट्री का, किसी वेस्टर्न कंट्री का एक कॉलोनी रहा हुआ होगा। ओके, तो ये है पोस्ट कॉलोनियल फेमिनिज्म। इसके बाद हम देखेंगे दलित फेमिनिज्म को। दलित फेमिनिज्म ये इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में है। ओके, इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में है दलित फेमिनिज्म। देखिए, दलित फेमिनिज्म में ये कहा गया कि इंडिया का जो मेन स्ट्रीम फेमिनिज्म है वो अपर कास्ट एंड मिडिल क्लास वुमेन से डोमिनेटेड है। दैट मीन्स कि जो मेन स्ट्रीम फेमिनिज्म में, इंडियन फेमिनिज्म में, किनके इंटरेस्ट को प्राथमिकता, इम्पोर्टेंस दी जाती है? अपर कास्ट मिडिल क्लास वुमेन के इंटरेस्ट को प्राथमिकता दी जाती है और इम्पोर्टेंस दी जाती है।
और ये जो वुमेन है अपर कास्ट मिडिल क्लास वुमेन, ये कास्ट को एक कैटेगरी के तौर पर नहीं देखती वुमेन के लिए, ये कहती हैं कि वुमेन खुद में एक ग्रुप है और ये जो ग्रुप है वुमेन का, ये हर किसी को एक्सेप्ट करता है, हर किसी के इंटरेस्ट को रिप्रेजेंट करता है, इरेस्पेक्टिव कि वो किस कास्ट से बिलोंग करती हैं। तो एज अ कैटेगरी कास्ट को ये एक्सेप्ट नहीं करती हैं, और इस एक्सक्लूजन का खामियाजा दलित वुमेन को भुगतना पड़ता है। क्यों? क्योंकि जब आप कास्ट को एज अ कैटेगरी एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो, कास्ट को जब आप एज अ फैक्टर एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो, वुमेन के ऑप्रेशन को डिसाइड करने वाला एक फैक्टर के रूप में जब आप कास्ट को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो, तब आप क्या कर रहे हो कि कुछ लोअर कास्ट वुमेन के एक्सपीरियंस और इंटरेस्ट को आप इग्नोर कर रहे हो। क्योंकि क्योंकि एक दलित वुमेन जो है वो जेंडर के बेसिस पे भी डिस्क्रिमिनेशन एक्सपीरियंस करती है और अपने लो कास्ट के बेसिस पे भी उन्हें डिस्क्रिमिनेशन एक्सपीरियंस करना पड़ता है। ओके, तो दलित फेमिनिस्ट ने कहा कि हमारे इंटरेस्ट को एक्सक्लूड किया जाता है मेन स्ट्रीम इंडियन फेमिनिज्म से। मेन स्ट्रीम इंडियन फेमिनिज्म जो है वो अपर कास्ट मिडिल क्लास वुमेन से डोमिनेटेड है, जो कास्ट को एक कैटेगरी के रूप में एक्सेप्ट नहीं करती, तो हमारे इंटरेस्ट को वहाँ पे एक्सक्लूड किया जाता है और ज़रूरत है इस एक्सक्लूजन को प्रोटेस्ट करने की, और इसलिए इसलिए इंडिया में दलित फेमिनिज्म का उद्भव हुआ, विकास हुआ। आप देख सकते हो यहाँ पे, आप ब्लैक फेमिनिज्म को ले लें, पोस्ट कॉलोनियल फेमिनिज्म को ले लें, या दलित फेमिनिज्म को ले लें, ये जितनी भी फेमिनिज्म है ये डाइवर्सिफिकेशन से आई है। फेमिनिज्म में ये डिफरेंट डाइवर्सिटी का बात करती हैं। ब्लैक फेमिनिज्म ये कहती है इनके इंटरेस्ट को इग्नोर किया जाता है जब एक यूनिवर्सल कैटेगरी की बात की जाती है वुमेन के। ठीक है, जब कुछ लोग ये तय करते हैं कि पूरे वुमेन का इंटरेस्ट क्या होगा, उनका एक्सपीरियंस कैसा होता है, तब जो लोग हैं जो जेंडर के अलावा दूसरे फैक्टर से भी इन्फ्लुएंस होते हैं, जैसे कि ब्लैक फेमिनिस्ट, दलित फेमिनिस्ट, पोस्ट कॉलोनियल फेमिनिस्ट, इनके इंटरेस्ट को एक तरह से इग्नोर किया जाता है, मार्जिनलाइज किया जाता है। ओके, ये था डाइवर्सिफिकेशन ऑफ फेमिनिज्म। दूसरा जो इम्पोर्टेंट इम्पैक्ट है फेमिनिज्म का, वीकनिंग ऑफ फेमिनिस्ट पॉलिटिक्स। वीकनिंग ऑफ फेमिनिस्ट पॉलिटिक्स ये दूसरा इम्पोर्टेंट इम्पैक्ट है। इसका मतलब क्या है, देखिए, सेकेंड वेव फेमिनिज्म में यूनिटी अप्रोच को अपनाया गया। यूनिटी अप्रोच, उसमें कहा गया कि वुमेन जो है वो खुद में एक यूनाइटेड ग्रुप को कंस्टिट्यूट करती है, कोई डाइवर्सिटी नहीं, हम एक यूनाइटेड ग्रुप है, एक यूनिफॉर्म एक यूनाइटेड ग्रुप है, और हमें यूनाइटेड होकर अपने मूवमेंट को आगे बढ़ाना है। इस बात को आगे रखा गया, यूनिटी अप्रोच को लाया गया सेकेंड वेव फेमिनिज्म में। लेकिन थर्ड वेव फेमिनिज्म में जहाँ हम डाइवर्सिटी और प्लूरालिटी के ऊपर फोकस करते हैं, हमने यूनिटी अप्रोच को क्या किया, रिजेक्ट कर दिया, हमने अलायंस अप्रोच को अडॉप्ट किया। अब हमने क्या, अब हम ये क्या कह रहे हैं कि यूनिटी नहीं होगी, वुमेन एज अ सिंगल कैटेगरी के बेसिस पे अब हम वुमेन को यूनाइट नहीं कर सकते। अगर क्यों, क्योंकि जब हम ऐसा करते हैं तो हम ग्रुप डिफरेंसेस को इग्नोर करते हैं, जो डाइवर्सिटीज़ हैं महिलाओं के भीतर, जो डाइवर्सिटी मौजूद है, उन डाइवर्सिटीज़ को हम इग्नोर करते हैं। ओके, जब हम यूनिटी अप्रोच को अपनाते हैं तो ज़रूरत क्या है, हमें एक अलायंस अप्रोच को अपनाने की ज़रूरत है। दैट मीन्स कि वुमेन, हमें ये एक्सेप्ट करना होगा कि वुमेन एज अ ग्रुप जो है वो बहुत सारे ग्रुप डिफरेंसेस को कंटेन करती है, इसके भीतर बहुत सारे ग्रुप डिफरेंसेस हैं, और हमें हर डिफरेंस को इम्पोर्टेंस देना है, हर डिफरेंट वॉइस को हमें इम्पोर्टेंस देना है। तो हमें ये समझना होगा कि एक ग्रुप की जो हम बात कर रहे हैं वुमेन की, एक यूनाइटेड ग्रुप की हम बात कर रहे हैं, दरअसल इस ग्रुप के भीतर कई सब ग्रुप्स हैं, और अब ज़रूरत है इन सब ग्रुप्स को इम्पोर्टेंस देने की। अब ये सब ग्रुप एक अलायंस के तौर पे काम करेंगे, एक यूनाइटेड वन सिंगल ग्रुप के तौर पर काम नहीं करेंगे। अब ज़रूरत है कि ब्लैक फेमिनिस्ट, दलित फेमिनिस्ट, पोस्ट कॉलोनियल फेमिनिस्ट, ज़रूरत है कि ये साथ आए, नॉट एज अ सिंगल ग्रुप लेकिन एज एन अलायंस। डिफरेंस है, यूनिटी और अलायंस में डिफरेंस है। ये ग्रुप साथ जरूर आए लेकिन एक सिंगल ग्रुप की तरह नहीं। ये जितनी भी सब ग्रुप्स की मैं बात कर रहा हूँ, जितनी भी डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स है फेमिनिज्म की, उनकी बात कर रहा हूँ, ये साथ आए लेकिन एक यूनाइटेड सिंगल ग्रुप की तरह नहीं, बल्कि एक अलायंस की तरह। ओके, तो कहा गया कि कोई वुमेन सिस्टरहुड नहीं होता,
बल्कि क्या होता है, सॉलिडारिटी की बात की गई। जब आप सिस्टरहुड की बात करते हो तब वही बात है कि आप बात करते हो एक यूनिफाइड ग्रुप के होने की बात करते हो, लेकिन जब आप सॉलिडारिटी की बात करते हो तब आप अलायंस की बात करते हो। तो फोकस यहाँ पर शिफ्ट हो गया, सिस्टरहुड से सॉलिडारिटी के ऊपर फोकस चला गया। तो ऑब्वियस सी बात है कि जब आप सिंगल, एक सिंगल आइडेंटिटी को लेकर पॉलिटिक्स में पार्टिसिपेट करना आसान होता है, ओके, डाइवर्सिटी जब कम होती है तो फ्रेगमेंटेशन कम होता है। जैसे कि आप बेस्ट एग्जाम्पल हैं कोलिशन गवर्नमेंट और सिंगल वन पार्टी मेजॉरिटी, डिफरेंस होंगी। कोलिशन गवर्नमेंट अनस्टेबल होगा, वहाँ पे अलायंस अप्रोच को अपनाया जाता है, लेकिन वन पार्टी मेजॉरिटी, सिंगल पार्टी मेजॉरिटी, वहाँ पे यूनिटी अप्रोच को अपनाया गया, वो स्टेबल होंगी। तो पॉलिटिक्स में हमेशा ये कोशिश की जाती है कि एक सिंगल आइडेंटिटी को लेकर आगे बढ़ा जाए, और जब हम बात मल्टीपल आइडेंटिटीज़ की करते हैं, डाइवर्सिटी की जब हम बात करते हैं, तब जो पॉलिटिक्स है वो कहीं ना कहीं वीक जरूर हो जाता है। तो यही एक इम्पॉर्टेंट इम्प्लिकेशन था कि जो फेमिनिस्ट पॉलिटिक्स है वो थर्ड वेव पोस्ट मॉडर्न फेमिनिज्म के आने के बाद वीक हो गई, फेमिनिस्ट यूनिटी वीक हो गई, ओके, क्योंकि फोकस अब डाइवर्सिटी के ऊपर दिया जाने लगा, ग्रुप डिफरेंसेस के ऊपर फोकस चला गया, और इसलिए फेमिनिस्ट पॉलिटिक्स जो है, जो पहले आइडेंटिटी बेस्ड हुआ करती थी, सिंगल आइडेंटिटी पे बेस्ड होती थी, अब वो फेमिनिस्ट पॉलिटिक्स जो है वो थोड़ी कमज़ोर पड़ गई, ओके, क्योंकि अब ये कहा गया कि अब इंडिविजुअल और पर्टिकुलर आइडेंटिटी के साथ कॉम्प्रोमाइज़ हम नहीं कर सकते। एक सिंगल आइडेंटिटी के लिए हम इंडिविजुअल आइडेंटिटी के साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते, क्योंकि जब हम ऐसा करते हैं तो ये अनडेमोक्रेटिक हो जाता है, ओके, ये क्या हो जाता है, अनडेमोक्रेटिक हो जाता है, क्योंकि जब हम किसी एक आइडेंटिटी को प्रमोट करते हैं तो इसकी वजह से बहुत सारे आइडेंटिटीज़ को हमें इग्नोर करना पड़ता है। जब हम किसी एक इंटरेस्ट को लेकर आगे बढ़ते हैं तो बहुत सारे दूसरे इंटरेस्ट को हमें इग्नोर करना पड़ता है, मार्जिनलाइज करना पड़ता है, ये अनडेमोक्रेटिक है, ओके। तो फेमिनिस्ट पॉलिटिक्स को ये नुकसान जरूर हुआ कि इनकी यूनिटी में कमज़ोरी आ गई, इनका यूनिटी जो है वो वीक हो गया, ओके, लेकिन एक फ़ायदा ये ज़रूर हुआ कि अब जो सब ग्रुप्स थे, जो डाइवर्स व्यूज़ थे, उन्हें अब पोजीशन मिलने लगा फेमिनिस्ट पॉलिटिक्स के पीपल। बात अब हम दलित वुमेन की बात करने लगे, दलित पॉलिटिक्स की बात करने लगे, अब हम ब्लैक वुमेन की बात करने लगे, पोस्ट कॉलोनियल वुमेन की हम बात करने लगे। सेकेंड वेव फेमिनिज्म में इनकी आवाज़ को दबा दिया गया था एक यूनिवर्सल कैटेगरी के अंतर्गत, और वो कैटेगरी क्या था, वुमेन का कैटेगरी। तो ये दूसरा बहुत ही इम्पॉर्टेंट इम्प्लिकेशन, बहुत ही इम्पॉर्टेंट इम्प्लिकेशन है सेकेंड वेव पोस्ट, थर्ड वेव पोस्ट मॉडर्न फेमिनिज्म का, ओके। देखिए मैंने एक और इम्प्लिकेशन की बात कही अभी, LGBT, राइज ऑफ लेस्बियन, गे, बाइसेक्सुअल, ट्रांसजेंडर्स का, ये एक थोड़ा अलग इशू हो जाता है फेमिनिज्म से, इसलिए मैं इसे यहाँ पर एक्सप्लेन नहीं करूँगा, लेकिन बाद में मैं इसे एक अलग वीडियो के माध्यम से ज़रूर एक्सप्लेन करूँगा। ये थोड़ा अलग है फेमिनिज्म से, मैंने यहाँ लिख तो दिया लेकिन मैं इसे यहाँ एक्सप्लेन नहीं कर रहा, ओके। अगर मैं एक्सप्लेन करूँगा तो थोड़ी कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाएगी, और मैं नहीं चाहता आपके मन में, आपके दिमाग में कोई कन्फ्यूजन हो। LGBT मूवमेंट के बारे में हम अलग से डिस्कस जरूर करेंगे, ओके। अब एक और इम्पॉर्टेंट बात है यहाँ पे, बहुत बार पोस्ट फेमिनिज्म बोलकर एक टर्म हमारे समक्ष आता है, पोस्ट फेमिनिज्म, और हम कन्फ्यूज हो जाते हैं कि थर्ड वेव पोस्ट मॉडर्न फेमिनिज्म और पोस्ट फेमिनिज्म, ये जो दो वर्ड है इनमें हम बहुत बार कन्फ्यूज हो जाते हैं। पोस्ट फेमिनिज्म ये भी एक वर्ड बहुत बार आता है, और बहुत बार इसे पोस्ट मॉडर्निज्म से इक्वेट किया जाता है, थर्ड वेव फेमिनिज्म से इक्वेट करके देखा जाता है, लेकिन मैं आपके इस मिसकंसेप्शन को यहाँ पर दूर करना चाहूँगा, ऐसा नहीं है। पोस्ट फेमिनिज्म और पोस्ट मॉडर्न फेमिनिज्म दोनों इक्वल नहीं है, दोनों अलग अलग है। तो यहाँ पर हम थोड़ा सा रुकते हैं और ये समझ लेते हैं कि पोस्ट फेमिनिज्म क्या है। देखिए पोस्ट फेमिनिज्म एक्चुअली में एक फेमिनिज्म के अगेंस्ट एक रिएक्शन को आप कह सकते हैं, जो खासकर अमेरिका में 1980s में शुरू हुआ। पोस्ट फेमिनिस्ट व्यूज़ रखने वालों का ये मानना है कि फेमिनिज्म एज अ मूवमेंट फेमिनिज्म जो है इसने अपने गोल को अचीव कर लिया है, ओके। तो अब वक्त आ चुका है कि हम फेमिनिज्म को छोड़कर आगे बढ़ जाए, पोस्ट फेमिनिज्म, पास्ट फेमिनिज्म, फेमिनिज्म को एक पास्ट बना दे, क्योंकि फेमिनिस्ट ने अपने गोल को अचीव कर लिया। ये जो आइडियाज़ है ये खासकर
जो मेल सेक्शन है हमारे सोसाइटी के, उनके द्वारा दिए जाते हैं ये पोस्ट फेमिनिज्म का जो आइडिया है, और खासकर इन आइडियाज का जन्म अमेरिका में हुआ। ओके, अमेरिका में हुआ 1980s के दौरान। और ये कहा गया कि फेमिनिज्म एज एन आइडियोलॉजी, फेमिनिज्म एज अ मूवमेंट जो है, वो अपने आइडियाज, अपने 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 गोल्स को फेमिनिज्म ने अचीव कर लिया है, और इसलिए अभी ज़रूरत क्या है कि फेमिनिज्म को पीछे छोड़ दिया जाए और आगे बढ़ दिया जाए। पोस्ट फेमिनिस्ट का मानना है कि समाज में जेंडर इक्वालिटी की इस्टेब्लिशमेंट हो चुकी है, जेंडर इस्टेब्लिशमेंट हो चुका है, वमेन के साथ जितने भी डिसएडवांटेज होते थे, जितने भी डिस्क्रिमिनेशंस होते थे, उन वो सभी एंड हो चुके हैं। बल्कि अभी सिचुएशन ये आ गया है कि वमेन जो है वो ज़्यादा एडवांटेज्ड पोजीशन में है एज कम्पेयर टू मेन। ये बात है पोस्ट फेमिनिस्ट का कहने का। पोस्ट फेमिनिस्ट व्यूज़ रखने वाले जो लोग हैं वो यही कहते हैं कि समाज में जेंडर इक्वालिटी की स्थापना हो चुकी है, तो अभी हमें फेमिनिज्म की ज़रूरत नहीं है, फेमिनिज्म को हमें पीछे छोड़ देना चाहिए। इनफैक्ट सिचुएशन अब ये है कि अभी हमें मेल राइट की बात करने की ज़रूरत है, मेंस राइट की बात करने की ज़रूरत है। ओके, क्योंकि वुमेन जो है अब वो डिसएडवांटेज्ड पोजीशन में नहीं है, बल्कि अब वो एक एडवांटेज्ड पोजीशन में चली गई हैं। पूरी पूरा का पूरा ये जो मूवमेंट था, फेमिनिस्ट मूवमेंट, इसके वजह से। ओके, तो ये है पोस्ट फेमिनिज्म, इसे पोस्ट फेमिनिज्म कहते हैं। लेकिन जो फेमिनिस्ट हैं वो पोस्ट फेमिनिज्म को एक थ्रेट मानती हैं, वो पोस्ट फेमिनिज्म को एक थ्रेट मानती हैं। क्यों? वो इसे एक एक थ्रेट इसलिए मानती हैं क्योंकि पोस्ट फेमिनिज्म का जो आइडिया है वो कहीं ना कहीं वुमेन के इशू से डाइवर्ट करता है, हमें डाइवर्ट करता है, हमें ये सोचने और इस बात को बिलीव करने पर मजबूर कर देता है कि वुमेन का जो कंडीशन है समाज में वो सुधर चुका है, वो अच्छा हो चुका है, और इसलिए अभी फेमिनिज्म की ज़रूरत नहीं है। फेमिनिस्ट इसे एक थ्रेट मानते हैं। और सुजैन फालूदी नाम की एक फेमिनिस्ट हैं, अमेरिकन फेमिनिस्ट, जिन्होंने एक किताब लिखी बैकलैश, पोस्ट फेमिनिज्म के इन आइडियाज़ को बहुत ही बारीकी से एनालाइज करते हुए इन्होंने एक किताब लिखी बैकलैश, द अनडिक्लेयर्ड वॉर अगेंस्ट अमेरिकन वुमेन। और इस किताब में वो एनालाइज करती हैं कि किस तरह से पोस्ट फेमिनिस्ट आइडियाज़ जो हैं, व्यूज़ जो हैं, वो फेमिनिज्म को वुमेन इशू से डाइवर्ट करते हैं। ठीक है, हमारा जो फोकस है वो वुमेन्स इशू से डाइवर्ट करते हैं। तो ये है पोस्ट फेमिनिज्म, और इसे समझने के बाद आपको ये बात पता चल जाएगी कि पोस्ट फेमिनिज्म कहीं से भी पोस्ट मॉडर्न फेमिनिज्म से रिलेटेड नहीं है, या थर्ड वेव फेमिनिज्म से रिलेटेड नहीं है। ओके, तो ये था पोस्ट मॉडर्न और पोस्ट फेमिनिज्म। ओके, अब चलिए इस लेक्चर को एंड करने से पहले एक कंपैरिजन कर लिया जाए फर्स्ट वेव, सेकंड वेव और थर्ड वेव फेमिनिज्म के बीच में। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एक छोटा सा कंपैरिजन, एक समराइजेशन हम यहाँ पर करने की कोशिश करेंगे। हमने अभी तक फर्स्ट वेव, सेकेंड वेव और थर्ड वेव फेमिनिज्म को देखा, कई सारे बातें की हमने इन सब के बारे में। ओके, अब ज़रूरत है कि हम हमेशा कुछ बातों को याद रखें, कुछ बातों को हम हमेशा याद रखें, ताकि हम कभी भी कहीं भी ये डिस्क्रिमिनेट कर सके कि फर्स्ट, सेकंड और थर्ड वेव फेमिनिज्म क्या है, इनके बीच डिफरेंसेस क्या है, इनके मेन कैरेक्टरिस्टिक क्या थे। तो मैंने एक टेबल तैयार किया है आपके लिए, और इस टेबल को आपको हमेशा याद रखना है। तो शुरू करते हैं इस कंपैरिजन के साथ। अगर हम बात करें मेन इश्यूज की, तो फर्स्ट वेव फेमिनिज्म में किस इशू को सबसे अधिक हाईलाइट किया गया? डिस्क्रिमिनेशन के इशू को। याद रखिएगा, बात हुई वहां पे डिस्क्रिमिनेशन की। ओके, लीगल पॉलिटिकल डिस्क्रिमिनेशन की बात हुई। ओके, लीगल पॉलिटिकल डिस्क्रिमिनेशन की बात हुई, पॉलिटिक्स के फील्ड में जो डिस्क्रिमिनेशन हो रही थी, पॉलिटिकल स्फीयर में जो डिस्क्रिमिनेशन हो रही थी, महिलाओं को राइट टू वोट नहीं दिया गया था, मेन को राइट टू वोट दिया गया था, ये जो डिस्क्रिमिनेशन थी, इन डिस्क्रिमिनेशंस के ऊपर फोकस था फर्स्ट वेव फेमिनिस्ट का। ओके, सेकंड वेव फेमिनिज्म में हम डिस्क्रिमिनेशन से मूव करते हैं ऑप्रेशन के ऊपर, उत्पीड़न के ऊपर हम मूव करते हैं। अब हम बात डिस्क्रिमिनेशन की नहीं कर रहे हैं। ओके, हम सिर्फ डिस्क्रिमिनेशन तक सीमित नहीं है। आप देखिए, डिस्क्रिमिनेशन से हमने एडवांस किया ऑप्रेशन के ऊपर, उत्पीड़न। अभी हम बात समाज में मौजूद उन इंटरनल रिस्ट्रिक्शंस की कर रहे हैं, समाज में मौजूद वो स्ट्रक्चर्स ऑफ ऑप्रेशन। ओके, वो सोशल एटीट्यूड की बात कर रहे हैं, वो लोगों की मानसिकता की बात कर रहे हैं, जिनके वजह से महिलाओं को डिसएडवांटेज, उनको उत्पीड़न का सामना करना पड़ता है। तो सेकेंड वेव फेमिनिज्म में हम डिस्क्रिमिनेशन से मूव करते हैं ऑप्रेशन की तरफ।
और थर्ड वेव फेमिनिज्म में हम कहाँ पे आ जाते हैं, मार्जिनलाइजेशन की बात करते हैं हम बात करते हैं मार्जिनलाइजेशन की, हम बात करते हैं कि यदि यदि हम वुमेन एज अ ग्रुप के ऊपर फोकस करते हैं तो इस ग्रुप के भीतर जो सब ग्रुप्स हैं, जो डिफरेंसेस हैं, उनके इंटरेस्ट हम कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं। अगर हम किसी एक इंटरेस्ट के ऊपर फोकस करते हैं तो जो बाकी इंटरेस्ट हैं उन्हें हम कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं। ओके, तो जब हम वुमेन को एज अ ग्रुप प्रोजेक्ट करते हैं तो जो डिफरेंट सब ग्रुप्स मौजूद हैं इस ग्रुप के भीतर उन्हें हम मार्जिनलाइज कर रहे हैं। ओके, उनके इंटरेस्ट को हम मार्जिनलाइज कर रहे हैं, डाइवर्सिटी को हम इम्पोर्टेंस नहीं दे रहे हैं, हम यूनिफॉर्मिटी को इम्पोर्टेंस दे रहे हैं। तो थर्ड वेव फेमिनिज्म में बात की गई मार्जिनलाइजेशन की। ओके, फर्स्ट वेव फेमिनिज्म में डिस्क्रिमिनेशन के इशू को उठाया गया, सबसे इम्पोर्टेंट डिस्क्रिमिनेशन के इशू को वहाँ पर एम्फेसिस किया गया, और सॉल्यूशन क्या प्रमोट किया गया, इमेंसिपेशन। फर्स्ट वेव फेमिनिज्म जो था वो इमेंसिपेशन के लिए था, वहाँ पे बात किया गया सिंपल डिस्क्रिमिनेशन को रिमूव करने की बात की गई, और कैसे रिमूव किया जाए, लीगल रिफॉर्म्स लाकर, पॉलिटिकल रिफॉर्म्स लाकर, कानून को लाकर। ओके, गवर्नमेंट के इंटरवेंशन से हम इमेंसिपेशन कर सकते हैं महिलाओं का। ओके, हम जो डिस्क्रिमिनेशन वो फेस करती हैं उन्हें हम रिमूव कर सकते हैं। तो जो सॉल्यूशन था उनका इमेंसिपेशन के ऊपर था। ओके, सेकेंड वेव फेमिनिज्म ने लिब्रेशन की बात की। सेकेंड वेव फेमिनिज्म ने कहा कि लीगल या पॉलिटिकल रिफॉर्म्स लाकर, कानून बनाकर, सोशल रिफॉर्म्स लाकर आप महिलाओं की कंडीशन को इम्प्रूव नहीं कर सकते हैं। ज़रूरत है लिब्रेशन की, एक रेडिकल सोशल चेंज की ज़रूरत है, एक रेवोल्यूशन की ज़रूरत है, तभी जाकर महिलाओं का जो कंडीशन है वो इम्प्रूव हो सकता है। लिब्रेशन की बात की गई सेकेंड वेव फेमिनिज्म में। थर्ड वेव फेमिनिज्म में हम इंक्लूजन की बात करते हैं, हम कहते हैं कि जितने भी ये सब ग्रुप्स हैं जो हिडन हैं, जो मार्जिनलाइज्ड हैं, ज़रूरत है इन सारे सब ग्रुप्स को इम्पोर्टेंस देने की, इन्हें इंक्लूड करने की। जैसे दलित फेमिनिस्ट हो गए, पोस्ट कॉलोनियल फेमिनिस्ट हो गए, ब्लैक फेमिनिस्ट हो गए, ये सारे क्या हैं, ये सब ग्रुप्स हैं, और इन सब ग्रुप्स के इंटरेस्ट को एक तरह से मार्जिनलाइज किया गया था, ये कहकर कि वुमेन जो है वो सिर्फ एक ग्रुप को कंस्टिट्यूट करती है और उस ग्रुप का नाम क्या है, वुमेन सिस्टरहुड। जब हम सिस्टरहुड की बात करते हैं तो थर्ड वेव फेमिनिज्म में मार्जिनलाइजेशन के प्रॉब्लम को हाईलाइट किया गया, और इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या प्रपोज किया गया, इंक्लूजन। जितने भी डाइवर्स ग्रुप्स हैं ओके, इन्हें इंक्लूड किया जाए मेन स्ट्रीम फेमिनिज्म में, इन्हें इंक्लूड किया जाए, इनके इंटरेस्ट को, इनके एक्सपीरियंस को भी इंक्लूड किया जाए, जगह दी जाए। ओके, तो इंक्लूजन इनका सॉल्यूशन था थर्ड वेव फेमिनिस्ट का। ओके, अप्रोच की बात करते हैं, अपने प्रॉब्लम को सॉल्व करने का इनका अप्रोच क्या था। फर्स्ट वेव फेमिनिज्म में जो अप्रोच था वो इक्वालिटी के बेस्ड, इक्वालिटी पे आधारित था। फर्स्ट वेव फेमिनिस्ट कहती हैं कि हमें इक्वालिटी चाहिए, हमें चाहिए कि जितने भी राइट्स, जितने भी प्रिविलेज, जितने भी एडवांटेजेस मेन को दिए गए हैं, वो सारे एडवांटेजेस, वो सारे प्रिविलेज, वो सारे राइट्स वुमेन को भी मिलने चाहिए। ये जो है फर्स्ट वेव फेमिनिस्ट, इन्होंने सोसाइटी के एस्टैब्लिश्ड स्ट्रक्चर को क्वेश्चन नहीं किया, एस्टैब्लिश्ड स्ट्रक्चर को ओवरथ्रो करने की बात नहीं की, इनका डिमांड इक्वालिटी के ऊपर था, इसलिए इन्हें इगैलिटेरियन फेमिनिस्ट भी कहते हैं। ओके, सेकेंड वेव फेमिनिज्म ने डिफरेंस अप्रोच को अपनाया, वो सेकेंड वेव फेमिनिज्म ये नहीं कहती कि वी वॉन्ट टू बी इक्वल टू मैन, हमें पुरुषों के जैसा होना है, ये इनका डिमांड नहीं था सेकेंड वेव फेमिनिज्म का। इनका जो अप्रोच था वो अलग था, वो डिफरेंस की बात, वो डिफरेंस अप्रोच को अपनाती है। वो कहती है कि वुमेन का जो इंटरेस्ट है वो पूरी तरह से अलग है पुरुषों के इंटरेस्ट से, और जो पुरुष हैं, जो मेन हैं, वो हमारे इंटरेस्ट को रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, हम अपने आप को उनके द्वारा सेट किए गए स्टैंडर्ड्स के बेसिस पर जज नहीं कर सकते, हमें अपने खुद के डिफरेंट स्टैंडर्ड्स को बनाने की ज़रूरत है। ये डिफरेंस अप्रोच था सेकेंड वेव फेमिनिज्म का। ओके, और थर्ड वेव फेमिनिज्म की अगर हम बात करें तो यहाँ पर अप्रोच था डाइवर्सिटी अप्रोच। यहाँ पर जैसा कि हमने देखा, जो थर्ड वेव फेमिनिस्ट हैं वो डाइवर्सिटी को इम्पोर्टेंस देती हैं, वो ये कहती हैं कि जितनी भी समाज में डाइवर्सिटी है, प्लूरालिटी है, हमें इन प्लूरालिटी को एक्सेप्ट करना है, हमें इन डाइवर्सिटी को भी
जगह देनी है अपने जो एंटायर जो मेन स्ट्रीम फेमिनिज्म है वहाँ पे हमें सारे डाइवर्सिटी और प्लुरालिटी को जगह देनी होगी। तो इस तरह से इस टेबल के माध्यम से आप फर्स्ट वेव, सेकेंड वेव और थर्ड वेव फेमिनिज्म को समझ सकते हैं और इसे हमेशा याद करके रख सकते हैं। ओके, तो इस तरह हम थर्ड वेव और पोस्ट मॉडर्न फेमिनिज्म को कंप्लीट करते हैं इस वीडियो में। बस इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे लिबरल एंड सोशलिस्ट फेमिनिज्म के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।